टीवी की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा की मौत ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। उनके यूं अचानक चले जाने से हर कोई काफी हैरान और परेशान है। वहीं पुलिस भी लगातार इस केस से जुड़े मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस तनिषा शर्मा के इस केस को लोग बालिका वधू फेम एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के केस के साथ जोड़ रहे हैं। प्रत्युषा बैनर्जी ने भी अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ हुई अनबन के बाद आत्महत्या जैसा कदम उठाया था। हालांकि उस दौरान प्रत्युषा के परिवार वालों का भी यही कहना था कि उनकी बेटी को मारा गया है, जहां एक और तनिषा शर्मा की मौत से उनके परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए हैं। वहीं अब इस मामले में दिवंगत टीवी एक्ट्रेस प्रत्युषा बैनर्जी के पापा ने तनिषा की मौत पर अपना रिएक्शन दिया है। इस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैंने तनिषा के बारे में न्यूज पढ़ी तो मुझे काफी दुख हुआ, एकदम से मेरे पुराने जख्म ताजा हो गए। एक पिता होने के नाते मैं तनिषा की मम्मी का हाल समझ सकता हूँ। इसके आगे अपनी बात को बताते हुए प्रत्युषा बैनर्जी के पापा शंकर बैनर्जी ने कहा कि सच कहूँ, मैं जितना तनिषा की मौत को समझ पा रहा हूँ तो वो मुझे मर्डर ही लगता है। पिछले कुछ सालों में देखे तो सारे मर्डर को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जब अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो हम दोनों रो रहे थे कि कैसे एक माँ ने अपनी 20 साल की मासूम बच्ची को खो दिया है। उनका दुख हमें अपना सा लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक ऐसे माहौल में जहाँ इतने सारे लोग आपके आसपास घिरे हुए हैं, इस तरह का कदम कोई कैसे उठा सकता है। अगर कोई सुसाइड करता है तो वो निश्चित तौर पर कोई नोट या लेटर छोड़कर जाता है ताकि बाकी लोगों को तकलीफ ना हो। ये 100% मर्डर का ही केस है। प्रत्युषा के पिता होने के नाते मैं इस बात को डंके की चोट पर कहूंगा कि तनिषा आत्महत्या नहीं कर सकती है। मैं आज तक अपनी बेटी के न्याय के लिए भटक रहा हूँ और मैं यही चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ कि मेरी बेटी को मारा गया है, मगर मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। हम तो न्याय के लिए आज भी परेशान हैं, मगर ऐसा तनिषा की मम्मी के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? तनिषा शर्मा के इस केस पर प्रत्युषा बैनर्जी के पापा के बयान के साथ आप कितनी सहमति जताते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।